अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पाकिस्तान में जन्मी वाराणसी की दो बेटियां इस बार लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत कर पाएंगी। दरअसल वाराणसी की निदा नसीम और महरुख नसीम को भारतीय नागरिकता मिल गई है। निदा और महरुख के पिता हिंदुस्तानी हैं, तो उनकी मां पाकिस्तान की रहने वाली है। दोनों लड़कियों की मां को साल 2007 में भारतीय नागरिकता मिल गई थी, लेकिन उन दोनों बेटियों को नागरिकता नहीं मिल पाई। लगभग 24 साल के इंतजार के बाद निदा और महरुख को पीएम मोदी की मदद से भारतीय नागरिकता मिल पाई है। वहीं दोनों बहन पीएम के काम की तारीफ करती नहीं थकती हैं। देखिए, आप भी देख करके मुझे ये नहीं बता सकते कि मैं इंडियन हूँ या पाकिस्तानी, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही दिखती हूँ। तो कभी कोई देख के तो नहीं बोल सकता कि तुम पाकिस्तानी हो और ये वो, जब तक हम खुद से ना बताएं। और फिर हमें ज़बरदस्ती बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। हाँ, बस तभी बताना पड़ता था जब कुछ लीगल होता था कि पाकिस्तान से हमारा कनेक्शन है या मैं नेशनैलिटी जो है अभी मेरी वो पाकिस्तानी है, बस तभी उतनी ही प्रॉब्लम होती थी, उससे ज़्यादा। पेपर को लेकर के कभी कोई दिक्कत एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में कभी कोई नहीं? कभी कोई ऐसी मतलब कॉम्प्लिकेशंस या कुछ हो नहीं है। मैं तो अभी ये कहूँगी कि हमारे पीएम ने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे हमें एक रिकग्निशन दिलाई है और कहीं ना कहीं हम लोग उसके लाइव एग्जांपल हैं, क्योंकि हमें मिली है नेशनैलिटी। मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को ये सोच लेना कि वन साइडेड या ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट अगर हम देखें, क्योंकि हम मुस्लिम हैं और हमारा काम हुआ है, तो हम तो ऑब्वियसली इस चीज़ को हम तो क्यों बांटा जाता है कि ये मुस्लिम है? देश की आज़ादी के समय मुसलमान, हिंदू, सिख सब ने वो एक सोच बनी हुई है, क्योंकि लोगों ने इसको इतना एक आसान बना लिया है कि उसी बेसिस पे वो उसको सोचना ही नहीं चाहते हैं डीप में जाके कि क्या होना चाहिए। उनका सिर्फ ये होता है कि ये बना हुआ है तो चलो हम ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन हाँ अगर थोड़ी मेहनत करें और उसको और थोड़ा खोल के सोचें। वहीं निदा और महरुख के माता पिता भी काफी खुश हैं। माता पिता का कहना है कि पीएम मोदी की वजह से ही उनकी बेटियों को नागरिकता मिल पाई है। ऐसा कि अब वो कभी भी जो है हमें एलआईयू से फोन आ जाए करता था कि भाई आप फला फॉर्म फिल करें, अब उसके बाद जो है दुकान से उठ कर भी हो जाते हैं, फिर वहाँ जाने के बाद फिर जो है वो काम वगैरह देते, एक टेंशन सा हो जाया करता था कि ये पता नहीं कब तक चले। और ये जो है 95 से ये चल रहा था, मैं भी बड़ा तंग आ गया कि आखिर हो गया क्या इसका। तो पर ये हुआ कि भाई अब ये दो साल में ये काम हो गया तो बड़ी खुशी है। रमजान का महीना चल रहा है और कुछ दिन में वोटिंग भी यहाँ होने वाली है, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो यहाँ से सांसद बने थे उसको लेकर के कुछ फ़ायदा हुआ है आप लोगों को? नहीं, कुछ क्या, बहुत मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जो 95 के बाद टेंशन था हमारा 200 साल का, वो हमारा दूर हो गया, और हमारा ही नहीं लाखों आदमी का उस कार्यालय से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा काम हुआ है, और ये तो बहुत बड़ा टेंशन था। सबसे बड़ी बात है कि बच्चियों का ये था कि अब ये एज भरी शादी करनी है इनकी, तो अगर नेशनलिटी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? क्योंकि जब नेशनलिटी होगी तो वो ऐसा सुकून मिला कि मैं क्या होगा। तो दोनों बच्चियाँ मेरी वहाँ पर गई, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिला ना, बहुत खुश हैं वहाँ पर। और ख़ासतौर पर वहाँ जो एक एनपीसी सर से है, उन्होंने बहुत हेल्प किया, बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया, और उन्होंने मतलब उसी दिन से कहा कि नहीं आप तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएँ और आपका ये काम हो जाएगा। तो बच्चियाँ बहुत खुशी खुशी वापस आई, और रमज़ान से ये काम शुरू हुआ था, तकरीबन 2 साल में ये काम हमारा कम्प्लीट हो गया, और एक बहुत बड़ा बोझ हम लोगों के सर पर जो था वो अल्लाह ताला के फजल करम से और सब लोगों की मेहनत से ये टूट जाए। कामयाब। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद निदा और महरुख के परिवार में खुशी का माहौल है। इस बार निदा और महरुख भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले पाएंगी। वाराणसी से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। आपकी यात्रा के दौरान आपकी कार का इंजन जूझता है गर्मी से, स्लज से और घिसाव से। हराइए गर्मी को, स्लज को और घिसाव को सुरक्षा की ढाल से। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस सिंथेटिक इंजन ऑयल आपके कार इंजन की सुरक्षा ढाल, जो दे ईंधन में 2% की बचत भी। सर्वो फ्यूचुरा जी प्लस, इंडियन ऑयल की पेशकश।